हाँ, तो ये पूछना था इसका, ये लाइसोजोम कौन बनाता है? कोई बात नहीं, हाँ बोलो। कॉल्जी ऑपरेटर्स बनाता है। लाइसोजोम को क्या कहा जाता है? सोसाइफेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर। पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से वो कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी बना रहा है? 38। क्या दैट यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? हाँ बोलो जस्टिन। सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एनर्जी करेंसी। मानसी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हाट इज द निकनेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? देर लगाती हो, बोलो। सर, पावर हाउस ऑफ। व्हाट इज द निकनेम ऑफ दैट इज क्लोरोप्लास्ट? सर, किचन ऑफ द सेल। व्हाट इज द पैरेलल वेसिकल्स ऑफ गॉल्जी ऑपरेटस कॉल्ड? सिस्टर्न। व्हाट इज द पैरेलल स्टैक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड? सर, स्ट्रोमा। What are the folded structure of mitochondria called? Cristae. What are the two cell organelles which are having their own ribosomes and DNA? Chloroplast. कहाँ तक लिखा दिए? सर, आपने फोटोसिंथेसिस करने माइटोकॉन्ड्रिया बाकी है। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अर्पित सिंगुलर क्या है? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। 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 वेरी गुड। अदिति, आर यू ऑनलाइन? ठीक है। यस सर। चलो। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज। ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड मेक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ए टीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो आदित्य भी ऑनलाइन का। यस सर। ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनाता है। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी इज रिलीज। एटीपी इज यूनिट ऑफ एनर्जी या एनर्जी करेंसी। ये एनर्जी करेंसी है विच इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल सेल ऑर्गेनल्स। जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रद्युम्न एनर्जी बना लेगा तो वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी किसको भेजेगा? बोलो सर। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना ली और उसने एटीपी रिलीज कर दिए, तो वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी किसको किसको भेजेगा? सभी सेल ऑर्गेनल्स को, चाहे जो सेल ऑर्गेनल्स है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, रेड कलर का होता है किसी भी सेल में, तो ये लाइसोजोम को भी भेज देगा। लाइसोजोम को भी भेज देगा। इसके अलावा ये ऑरेंज कलर के गॉल्जी ऑफ बॉडीज को भी भेज देगा। और इसी तरीके से एक यहाँ किचन भी है जो ग्रीन कलर का है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी कहीं ना कहीं खाना बन रहा है। ये ऐसे ऐसे उसमें स्ट्रोमा है कि नहीं? यस सर। ऐसा हमने वीडियो भी देखा था, फिर देख लेंगे। ऐसे देखा था ना। तो इन सभी को सो ये क्या करता है कि इनके पास, और यहाँ पे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम वो भी काम कर रहा है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स नीड्स एनर्जी टू फंक्शन, अपने काम को करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो ये यहाँ भी एटीपी देता है।
यहाँ भी एटीपी देता है, यहाँ भी एटीपी देता है और यहाँ भी एटीपी देता है। यस आ जाइए। इट गिव्स एटीपी इज एनर्जी करेंसी, ठीक है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल सेल ऑर्गेनल्स, विच इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल सेल ऑर्गेनल्स। फंक्शन तो ये एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ठीक है, ओके। द बॉडी यूजेस एनर्जी करेंसी फॉर मेकिंग न्यू माइटोकॉन्ड्रिया एज इट्स ओन डीएनए, एज इट्स ओन डीएनए, इसके अपने डीएनए है। एंड रुक जाओ, हाँ ना, इस सेंटेंस को पूरा करो। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और इसकी वजह से क्या कर लेगा, जिसके पास देवांश अपने डीएनए और राइबोसोम होंगे वो क्या बना सकते हैं, सब प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम जहां बैठता वहीं तो प्रोटीन बनता है। सो इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले हेडिंग का लास्ट सेंटेंस देखो, सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, ऐसा लिखा है बुक में? यस सर। सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन। श्रेया, ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपने डीएनए और राइबोसोम? अगला देखो, नेक्स्ट इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स किसमें होंगे? प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में हम लोगों में प्लास्टिड्स नहीं होते, हम लोगों में सेंट्रियोल होते हैं, और जबकि हम लोगों में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, खाली खाली जगह होती है ना, वो नहीं होती है, हम लोगों में सेंट्रल, हम आगे देखेंगे, ओके। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट में फूल अलग अलग रंगों के होते हैं, पत्तियां अलग अलग रंगों की होती हैं, फ्लावर्स, उन सबको कौन देता है? प्लास्टिड्स। तो दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो क्या जरूरत है इतने सारे कलर देने की, क्या कोई मुझे बताएगा? हाँ बोलो। सब प्लास्टिक ताकि मतलब कोई बटरफ्लाई या फिर कोई भी इंसेक्ट है उसे अट्रैक्ट हो जाए, मतलब उसकी फ्रेग्रेंस से, फ्रेग्रेंस या कलर से, कलर से। बहुत अच्छा बताया आपने। और अट्रैक्ट होके फिर क्या होगा? ताकि वो उसे पॉलिनेशन कर सके। कितनी अच्छी बात है, उसको पॉलिनेट करा सके, क्योंकि जो उसका पॉलन ग्रेन है या मेल जर्म सेल है उसको जाके फीमेल जर्म सेल में डाल सके। आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि स्टेमन होता है, उसमें पॉलन ग्रेन होते हैं, तो उसमें से लेकर के वो किसमें डालता है, पिस्टिल में या कार्पेल में डालता है, फिर उसके अंदर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसी वजह से उनमें इतना इतना कलर है। क्यों ऐसा है बताओ? क्योंकि क्या प्लांट्स चल सकते हैं? क्या प्लांट्स लोकोमोशन कर सकते हैं? तो वो तुमसे क्या कहते हैं कि निष्का मेरा आम खा लो, सिर्फ गुठली फेंक देना, डस्टबिन में न डालना, हम उग जाएंगे, मेरा भी परिवार चलता रहे। वो तुमको अपना नेक्टर खिला रहा है, आम खिला रहा है, फल खिला रहा है, सिर्फ किस लिए? इसको खा रहे कहीं फेंक देना। या हम लोग नहीं, हर्बीवोर को भी खिलाता है कि जानवर लोग जो भी आम खाएंगे या बंदर खाएगा तो जहाँ गुठली फेंकेगा वहाँ पर पेड़ निकल आएंगे। तो इसके लिए वो अलग अलग, को जैसा आना ने बताया, पॉलिनेशन के लिए उनके पास एक तरकीब है कि उनका अट्रैक्टेड कलर होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट हों, और उनके जो लेग्स में इंसेक्ट्स के पॉलन्स लगे होंगे वो जा करके कार्पल के अंदर चले जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, आइदर दीज आर कलरफुल और कलरलेस, या तो ये कलरफुल होते हैं या फिर क्या होते हैं, कलरलेस, ठीक है। आइदर दीज आर कलरफुल और कलरलेस। देख लो, जो प्लास्टिड हैं ये दो तरीके के हैं, या तो कलरफुल है और दूसरा क्या है, कलर लेस।
तो कलरफुल हैं तो उनको कहना क्रोमोप्लास्ट। कभी गूगल क्रोम देखा है, उसमें कैसे कलर बने रहते हैं, गूगल क्रोम का साइन होता है ना एक ऐप है। हाँ हाँ बैठो यहाँ पे, कहीं भी बैठो, इधर हाँ बैठ जाओ। अब दिस इज जो कलरलेस है उसे क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट। सर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत डार्क। वो ठीक है, वह अब कुछ नहीं किया जा सकता इस पर। कितना परसेंटेज बाकी है? 5% है। 5 भी नहीं है, 5 है तो चल जाएगा। जब ऑफ हो तो बता देना, फिर दूसरा लगा देंगे। अभी 5% तो चलेगा, आधे घंटे चलेगा। ठीक है, तो दिस इज या तो क्रोमोप्लास्ट है या फिर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अगर मान लीजिए क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या, तुम ऐसा कोई बता सकते हो प्लांट सेल जिसमें कलर ही ना होता हो? किसी ने कभी एलोवेरा काट के देखा है उसके अंदर के जेल को? यस सर। उसमें कोई कलर नहीं होता है, एलोवेरा तो देखा होगा ना, तो वो कलरलेस है, तो वो उसके अंदर जितने भी सेल है वो ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसा देखा होगा ना, उसके अंदर पूरा भरा होता है कलर। फर्न फर्न तो पत्तियां होती हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं। फर्न तो ये सब ऐसे ही है, नीम की पत्तियों की तरह होता है, जैसे नीम की पत्तियां वही फर्न है। फर्न इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ। आगे देखो कि ये देखो ये, अब इसको कहां पर चीज कलर कर सकते, लेकिन जो एलोवेरा होता है उसका बाहर से जो ग्रीन ही कलर का होता है, तो वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट है, अंदर का ल्यूकोप्लास्ट है। ओके चलिए, सर इसमें दोनों होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी और ल्यूकोप्लास्ट। फर्न ये देखिए, ये देखो फर्न, ये पत्तियां हैं, तो इनमें कहां तुमको कुछ लग रहा है, ऐसे क्या चीज थी, पत्तियां नहीं इनके तरह, इनमें क्या है? फर्न है, यहाँ 5 स्टार होटल भी है जोधपुर में, रेजिडेंसी के बगल में, बहुत उम्र भी हो फायर भी होगा। चलो अब आगे देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट चार तरीके के हैं, रोडोप्लास्ट, फेरियोप्लास्ट, जेंथोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और भी हो सकते हैं, 12 तरीके के हैं, बाकी 8 तरीके के अगली क्लास में बताए हैं, अभी 4 देखते हैं। तो क्रोम का मतलब कलर होता है कि नहीं, क्रोमा, तो इसके डिफरेंट टाइप्स देखो, That is rhodoplast. Rhodoplast का मतलब है जो रेड कलर दे। Xanthoplast. That means येलो कलर दे। और इसी तरीके से देख लो, गाजर में दोनों होते हैं, रेड और येलो मिलेगा तभी तो ऑरेंज कलर की गाजर बनेगी। इसी तरीके से फेरियोप्लास्ट ब्राउन कलर देगा, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए ग्रीन है तो क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, और सिर्फ यही वो प्लास्टिक है विच कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस वजह से होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किस वजह से होता है बताइए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम ज़ेंथोप्लास्ट। देखो ऐसा मेटल होता है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम, ये ऐसा, इसकी वजह से प्लांट में क्लोरोफिल। कोई पूछे प्लांट का रंग हरा क्यों है, तो कह देना क्लोरोफिल है। फिर तुमसे छोटा बच्चा पूछेगा कि दीदी क्लोरोफिल क्यों हरा है, तो कह देना मैग्नीशियम की वजह से। बोलो इसके आगे साइंस चुप हो जाएगी, जहाँ साइंस चुप हो जाएगी वहीं फिलोसफी शुरू हो जाएगी। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल क्या है बताओ, ग्रीन है। देखो जीवन क्या है, इसका साइंस उत्तर दे सकती है, लेकिन कोई पूछ ले जीवन क्यों मिला है, तो बोलो फिलॉसफी में जाओ, जहां साइंस चुप हो जाए वहां पर फिलॉसफी शुरू, जहां समझ आया ना, जहां साइंस निरुत्तर हो जाए वहां दर्शन शास्त्र शुरू है ना। फिलॉसफी का मतलब है कि किसी चीज में कि लोग जीवित जिंदा क्यों रहते हैं, व्हाट इज लाइफ, इसको साइंस बताएगी।
लोग जिंदा क्यों रहते हैं, जन्म क्यों लेते हैं, मरते क्यों हैं, तो फिर दर्शन शास्त्र, वेयर द साइंस इज अनआंसरेबल, वेयर द फिलोसफी स्टार्ट्स। सो अब देखो ये ग्रीन है तो क्यों ग्रीन है बताओ? यस, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, सीक्वेंस वाइज चलो, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। सो कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? The plant can do photosynthesis. So most of the parts of plants are green. क्योंकि उनको खाना बनाना होता है. So plants can do photosynthesis. Inside plastics, there are various. कैसा structure होगा? Inside plastic बहुत सारे stroma होंगे. जरा देखते हैं. हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनिमेशन, Golgi apparatus animation, तो अब एक एक चीज देखें फिर प्लास्टिक्स भी देखें। These are the different Golgi bodies. क्या आपको लग रहा है पैरेलल में हैं? Yes sir. ये देखो 3D वीडियो है तो ऐसे Golgi bodies पैरेलल में, इन्हीं को सिस्टम कहा जाता है। लीजा, अब हम देखेंगे कि void inside leaf. मतलब कि पत्ती के अंदर की यात्रा। लीफ के अंदर है तो ये सारी सेल है, प्लांट सेल है ठीक है। अभी प्लांट सेल के अंदर जाएंगे तो वहां क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो देखो सेल के अंदर अभी गए नहीं है, ये बहुत सारी सेल हैं, अभी तो सिर्फ पत्ती के अंदर गए हैं। सो प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो दे कैन मेक their own protein. चलिए इससे अपना ही प्रोटीन बना लेते हैं। ओके, वेरियस लेयर्स या वेरियस स्टैक्स इन साइड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भाई वो भी बोलने वाले थे, बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अर्पित ने हम सबको बताया स्ट्रोमा, वेरियस पैरेलल वेसिकल्स इन गॉल्जी अपैरेटस इज कॉल्ड, और यहाँ पे वेरियस स्टैक्स इन प्लास्टिड इज नोन एज स्ट्रोमा। वेरियस स्टैक्स का मतलब ढेरी, इन प्लास्टिड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नाउ मिश्का, स्ट्रोमा इज ए साइट ऑफ, वो कौन सी साइट है? स्ट्रोमा में क्या होता है सर? बोलो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो वो कौन सी साइट है बताओ?
बोलो मैं बोलो एक बता दिया ना फोटोसिंथेसिस इट इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहीं पर तो क्लोरोफिल इसी में ठीक है अब आगे जरा देखिए वैक्यूल्स तुम चिंता मत करो आना lysosome and mitochondria तुम कभी कभी तो आती हो फिर इन्हीं सब में लग जाओगी तो पढ़ाई कब करोगे चलो ये लो दो मिनट लेना चाहिए हाँ So this is other cell organelle of ये दूसरा cell organelle है जो plant में है और ये this is the largest part of the plant cell. Plant cell में देखा जाए तो जो largest part है वो vacuole है. कौन सकता है तो यहाँ आप देखिए वैसे इसमें छोटा सा दिखाया गया है अदरवाइज ये पूरा पोर्शन छोड़ लेता है कभी कभी इसमें हवा भी भरी होती है और इस वजह से फ्लोट भी करता है तो ये वैक्यूल्स है ये देख लो दिस इज वैक्यूल कभी कभी बहुत लार्ज होता है और ये साइज वाइज लोकेटेड इन सेंटर में नहीं है और ये पूरे में वैक्यूल में नहीं ये सिर्फ प्लांट सेल में होगा वैक्यूल ठीक है क्या आप मुझे यही क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लास्टिक का एक टाइप है ये गॉल्जी ऑपरेटस है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस ये सब जो है जैसे ये इसको ये लाइजोसोम कह सकते हो यही लाइजोसोम होंगे ग्रीन कलर ठीक है तो यही प्लास्टिक है इसमें खाना पीना सब स्टोर रहेगा और ये यही वैक्यूल है और ये क्लोरोप्लास्ट दिस इज वैक्यूल ठीक है ये बड़ा भी हो सकता है वैक्यूल देख लिया आपने वैक्यूल यही है चल नाउ ये वैक्यूल लो और ये क्लोरोप्लास्ट हाँ लाइक सो वी विल सी वैक्यूल अभी तक हमने प्लांट में ये दिखाया है आप इसमें देख करके बता सकती हैं निष्ठा कि ये एनिमल सेल होगा कि प्लांट सेल वास्तव में इसे एनिमल सेल होना चाहिए क्योंकि इसमें सेंट्रली लोकेटेड क्या चीज है बताइए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा तो ये कौन सा सेल होगा एनिमल सेल और साइज वाइज लोकेटेड जैसे आप इसे देखो इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या इसमें प्लास्टिक है नहीं इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है क्या आप इसमें वैक्यूल्स देख पा रहे हैं
देखो जस्टिन, तो इसलिए एनिमल सेल में कोई भी वैक्यूल नहीं होगा, कोई प्लास्टिक नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, ना उसको फोटोसिंथेसिस करनी है और ना उसको, हम लोगों में ध्यान दीजिए अर्पित, हम लोगों में अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हम लोग एज सून एज वेस्ट इज जनरेटेड वी थ्रो इट आउट, जबकि प्लांट में उसका वेस्ट उसके वैक्यूल्स में रहे। फिर से देखो, तो ये हमने क्या बताया, दिस इज एनिमल सेल, ओके इधर ध्यान दो, तो ये चीज हमने जो यहाँ बनाई है ये क्या है, दीज आर सेंट्रियोल्स, ये क्या कहलाएगा बोलो, बंडल्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड वायर्स जैसे हैं, तो इसको कहेंगे सेंट्रियोल, ये सेल के डिवीजन में मदद करेगा, और ये कौन सी सेल है बोलिए, एनिमल सेल, एनिमल सेल, इसमें किसी किसी में राइबोसोम भी बैठे हैं, बाकी हमने सब सेल ऑर्गेनेल बना दिए, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो ये किस तरीके की सेल है, दिस इज प्लांट सेल, प्लांट सेल अब देखिए कैसे बनाया जा रहा है, प्लांट सेल में, हाँ एक मिनट, तो ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, तो सेंट्रियोल्स की डेफिनेशन क्या होगी, क्या सेंट्रियोल्स की डेफिनेशन, सेंट्रियोल इज ए बंडल ऑफ स्पिंडल्स, अभी वो हम आगे बताएंगे कि कैसे सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, सेंट्रियोल तो पढ़ाएंगे ना अभी आप, ये देखो, तो ये सब क्या है इसकी, ये इसकी सेल वॉल। अच्छा यहाँ न्यूक्लियस इधर दिखाना, साइड वाइज लोकेटेड, और छोटा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ऐसे ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसी किसी कोई आ रही आ रहे, कोई ऐसी आ रहे, इसी के आसपास ये बहुत बड़ा वैक्यूल दिखा देना, करीब करीब 60% ऐसा होगा, और छोटा सा एक क्या दिखा दें, गॉल्जी अपरेटस, यस सर, गॉल्जी अपरेटस, एक इसमें लाइसोसोम दिखा दें और एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दें, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट भी कहीं दिखाना हो तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे 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 क्लोरोप्लास्ट हो गए, ओके, तो दिस इज लाइसोसोम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ लोग राइबोसोम को ऐसे तैरता हुआ भी दिखा सकते हैं, आपकी बुक में भी दिखाया है, दिस इज मानसी ये क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, बीच में नहीं बोलो थोड़ा देर लगा रही, ये क्या है, गॉल्जी अपरेटस, हाँ ये बताओ, ये पता नहीं चल रहा इतनी बड़ी चीज, सर वैक्यूल अभी तो दिखा के गए थे आप, शायद जो है टेस्ट देने में मशगूल थी, दैट इज वैक्यूल, मान से ये क्या है, हाँ बताओ, ये जो चीज है बीच में साइटोप्लाज्म, बहुत अच्छा पहचान है क्योंकि ये सब साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, और ये क्या है, ये जो बाहर वाली वो सेल वॉल है, अंदर चले जाओ जो डबल लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके भी अंदर चले जाओ तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है ना, अभी वो हम देखते हैं, तो ये क्या है बोलो, साइटोप्लाज्म, और ये जो दो बीच में लेयर दिख रहे हैं डबल लेयर वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल किसकी बनी है, यहाँ सेल्यूलोस की, अच्छा ये सेल वॉल तो आपने बता दिया सेल्यूलोस की बनी है, आना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, रुक जाओ, प्रोटीन, सही लिपिड, और ये जो इट इज, ये एक तरीके का फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे
डिफरेंट ऑर्गन्स सेल ऑर्गन्स फ्लोट करते हैं. सो इट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. हां दिस इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके एक और चीज पूछनी थी श्रेया, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके किसके बीच चैनल का कार्य करता है टू एक्सचेंज द मटेरियल एंडोप्लाज्मिक सर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके किसके बीच चैनल का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक. हाँ बोलो प्रद्युम्न. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच जो मेटीरियल एक्सचेंज होते हैं उनके बीच में चैनल का काम करता है. श्रेया ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी है? बहुत लेट है रिएक्शन टाइम आपका. हाँ जस्मिता साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी है? सर दीदी ने हाथ रेज किया. हाँ दीदी बोलो क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताइए. मानसी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ रेस्पिरेशन. दैट इज अब हम देखेंगे वैक्यूल्स के बारे में. वैक्यूल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्यों नहीं होता प्रद्युम्न? बोलो सर क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. एक्सक्रीशन कर सकता है. हम अपनी चीजों को एज सून एज वेस्ट जनरेट होता है बाहर निकाल लेते हैं लेकिन प्लांट्स में ये नहीं है. प्लांट्स में वो अपना जो वेस्ट है वो कैसे निकालते हैं? उनमें सुबेरिन लिग्निन ठीक है जिलेटिन गम ये सब जो आपने देखा कभी प्लांट्स में प्लांट्स के बार्क में गोंद निकलता रहता है गिरता रहता है तो वो सब है. या कभी कभी जो प्लांट की डंठल है जिसमें आम लटका हुआ है तो उसके एंड पे वो अपना सारा क्या लगा देगा सारा यहाँ वेस्ट मटेरियल लगा देगा और फिर उसकी वजह से आम पक गिर जाए. तो प्लांट कैन रिलीज इट्स वेस्ट आइदर बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स. पत्तियां झड़ जाएंगी विल्टिंग ऑफ लीव से वो अपना वेस्ट गिराएगा. पुरानी पत्तियां झड़ रही इसका मतलब है सारा वेस्ट वो पुरानी पत्तियों को दे देगा जाओ तुम गिर जाओ प्लांट इज रिलीव फ्रॉम. समझ आया? अब वैक्यूल में बंद है. आइदर बाय फॉलिंग ऑफ फ्रूट आइदर बाय चिपिंग ऑफ बार्क. बार्क होता है बाहर वाला इन सब से ही प्लांट अपना वेस्ट रिलीज करेगा अंटिल इट इज रिलीज्ड इट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. जब तक ये रिलीज नहीं हो जाता तब तक ये कहां रहेगा? वैक्यूल इज ऑल्सो ए साइट फॉर. थोड़ी देर पहले मानसी ने बताया था सर यहीं पर तो एमिनो एसिड ग्लूकोज और इसके दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रहते हैं तो इनकी बात सही है. सर वैक्यूल्स की बाउंड्री किस चीज से बनी है? वैक्यूल्स इट इज ऑल्सो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इन यूकैरियोटिक सेल ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड विच इज मेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ए काइंड ऑफ सेमी परमेबल. चलो अब वैक्यूल के बारे में समझो. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स. इसमें सैक्स का मतलब थैले होते हैं. प्लांट सेल ठीक है एंड इन एनिमल सेल आइदर इट इज एब्सेंट या तो ये एब्सेंट होंगे. हम सब में एब्सेंट हैं लेकिन बहुत जो शुरुआती एनिमल्स हैं उनमें ये बहुत लिटिल साइज छोटे साइज प्रिमिटिव जो बहुत अभी ऊंचे स्तर के कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नहीं जो टिश्यू लेवल पे उन सब में ठीक है ना. एनिमल वे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस ना कर सकते जो दूसरे के ऊपर भोजन में निर्भर रहे उनमें मोस्टली एनिमल. सेल वॉल भी ना देखो मशरूम या फंगी वो नहीं कर पाता है टक से टूट जाता है कि नहीं उनमें सेल वॉल है कि नहीं इसलिए वो एनिमल नहीं है. बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है. बैक्टीरिया में तो सिर्फ न्यूक्लियस के अलावा कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो तो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं. बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है ना और उसमें न्यूक्लियस भी नहीं बोलना है उसमें बोलना है न्यूक्लियोइड
जब भी बैक्टीरिया बोलो या प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, न्यूक्लियर रीजन बोलो, तभी बच पाओगे. और न्यूक्लियस बोला तो फंसे. न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस करके ना बोलो, समझ आया? तो अब ये देखो, आइदर इट इज एब्सेंट और प्रेजेंट इन स्मॉल साइज और स्मॉलर इन साइज. इन प्लांट इट ऑक्यूपाइज 50% to 90% स्पेस ऑफ सेल. ज्यादातर जगह यही ले रहा है. और ये काम क्या करता है, ठीक है? इट इज फुल ऑफ सेल का जो लिक्विड है, सेल सैप. सैप का मतलब है लिक्विड, ठीक है ना? सेल सैप. और ये प्लांट को टर्जिड बनाता है. टर्जिड का मतलब है ऐसे दबेगा नहीं प्लांट. जैसे लौकी है, दबती नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर वैक्यूल पूरा भरा हुआ है. कोई भी फ्रूट देख लो, लौकी या खीरा, दबेगा क्या? तो दैट इज इट इज टर्जिड. और रिजिड का मतलब टूटे नहीं. फोर्स लगाने पर भी, रिजिड पहले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं, फोर्स लगाने पर भी जिसके शेप में बदलाव ना आए वो चीज रिजिड है. तो ये क्या, ये रिजिड है? वुड वुड रिजिड है. और जबकि कोई ऐसी चीज है जैसे फोम है, वो रिजिड नहीं हुआ. तो जिसका शेप बदल जाए फोर्स लगाने पर, वो रिजिड नहीं है. एंड वाई डिपेंड. तो ये क्या देता है बताओ? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, टाइटनेस. रिजिडिटी, हार्डनेस. टाइट भी बना रहा है प्लांट को, और क्या बना रहा है? हार्ड, ठीक है? कट काटने से वो तो, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नॉट परफेक्टली रिजिड. इवन डायमंड हार्डेस्ट है, लेकिन अगर तुम उस पर एक लिमिट से ज्यादा लगाओगे तो वो भी चूर चूर हो जाएगा. तो एक एक्सटेंट तक रिजिडिटी है, जो ह्यूमन के लिए रिजिड है. हमारे आपके फोर्स लगाने से जिसका ना बदले शेप, तो उसको कह देते हैं हम लोग रिजिड. हाउएवर इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज परफेक्टली रिजिड, ठीक है? तो क्या लिखते हैं बताइए? इट इज फुल ऑफ सेल सैप. इसमें लिक्विड भरा हुआ है, सेल सैप में अमीनो एसिड. अब उसमें वो लिखा है, इट इज फुल ऑफ सेल सैप. तो इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं बताइए? टर्जिडिटी का मतलब है जितना भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो सब वैक्यूल में सब कुछ चला जाएगा, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल की दीवारों से बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, और ऐसे में वो टर्जिड हो जाएंगी कि नहीं. तो टर्जिड होने के बाद अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो अल्टीमेटली सेल बस्टी होती है. तो टर्जिडिटी का मतलब टाइटनेस है. तो ये टाइटनेस भी देता है, और दूसरी चीज़ क्या करता है? हार्डनेस देता है. समझ रहे हैं अभी बात की नहीं? सो इस ये प्लांट को क्या क्या दे रहा है? वैक्यूल, टाइटनेस. इस ये इसके अंदर का सारा सेल सैप निकाल दो तो क्या लूज ना हो जाए? तुमने देखा होगा जब सब्जियां दो चार दिन पुरानी होती हैं तो लूज होने लगती हैं, फिर ऐसे ऐसे होने लगती हैं. इसका मतलब उसका वाटर उड़ गया, उसका सेल सैप वाटर सब कुछ उड़ गया कि नहीं? अब जरा देखिए. सो इट कंटेन्स, क्या क्या चीज करता है? सो इट कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इसमें लिखा है कुछ में शुगर्स. तो शुगर में ग्लूकोज भी हो सकता है, या कोई भी तरीके की शुगर हो. प्लांट में तो क्या है कि शुगर में ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज मिले तो सुक्रोज बना, डाई शुगर. और ज्यादा मिल गए तो स्टार्च, सब कुछ इसी में है. शुगर में ग्लूकोज भी है, सुक्रोज भी है. सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब है गन्ने की चीनी, डाई शुगर. एंड स्टार्च भी है, तो ये सब इसी में रहेगा. एंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड. सर आपने ग्लूकोज के बाद क्या लिखा है? सुक्रोज, दैट इज C12H22O11. दो ग्लूकोज मिल जाए तो सुक्रोज बने. फिर से देखो, C6H12O6 क्या ग्लूकोज है? यस सर. अगर प्लांट ने सोचा नहीं इसमें ज्यादा जगह हो रही है, तुम्हें मालूम है अंगूर ज्यादा जगह लेता है कि किशमिश? अंगूर. अगर मान लो धीरे धीरे वो सारा पानी उड़ जाए तो वो श्रिंक हो जाएगी कि नहीं? इसी तरीके से प्लांट ने एक योजना बनाई कि वाटर को उड़ा दो,
तो और उसे और कंडेंस करो तो क्या ये C12 कर देगा और H24 नहीं करेगा, H22 और O11 तो देख लो है वही पूरा। तो वाटर अलग से एक वाटर निकाल दे तो ये सुक्रोज बन जाए। When two glucose molecule combine with each other, then they form गन्ने की चीनी, then they form cane sugar. And when many glucose combine, then they form starch. हजार मिले तो स्टार्च बने आलू। अगर बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाए तो क्या उनका मीठापन आहाना रहेगा कि चला जाएगा? ये तो कहीं चला जाएगा, कहीं आलू कहाँ मीठी है। यही चीज इनकी सबको पसंद है कि रोटी स्टार्च है, गेहूं है, चावल स्टार्च, उसको खूब चबाओगे तो मुंह में वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाएगा, फिर वो ग्लूकोज की तरह मीठा लगेगा। रोटी चबाई जाए तो मीठी हो जाएगी, मुंह में डाइजेशन हो जाएगा। दो ग्लूकोज मिले तो क्या बनेगा? सुक्रोज का फार्मूला जो केक लगाई तभी तो ही बता पा रही, आधा ब्रेन एफिशिएंट है, हाफ ब्रेन में भी कितना बता दे रहे स्टार्च का फार्मूला सुनो, दूसरों से सीखना भी सीखो, देखो कितना अच्छा बताया, आप भी बताओ। सर C6H12O6 इनटू N, आप बताओ। सर C12H22, कितना हर चीज इन्हें पता है, इसीलिए देखो सब लोग इनको मानते हैं। C6H10O5 टू द पावर N H2O निकले, फिर से समझो, यानी हर ग्लूकोज में से एक वाटर निकल जाए और हजार ग्लूकोज मिल जाए। देखो अगर ये मिला दो तो क्या C6 आपने H12 बोला था, सर बोलना था कि H2 निकल, यही हम सुन नहीं, हमें ये नहीं मालूम था कि आप बोलने वाले थे। इधर देखो, बात नहीं करो बेटा। व्हाट इज स्टार्च व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय ईच ग्लूकोज एंड दे गेट कंबाइंड, तो क्या बनाते हैं स्टार्च? स्टार्च ऐसे चार चीज बताओ जिनमें स्टार्च होता हो, वीट और वो स्टेपल फूड भी है, वो तुम्हारी थाली का मुख्य भोजन भी है, उसके चारों ओर सब्जियां लगी रहेंगी जब वो रजवाड़ी थाली मिलेगी, बीच में स्टेपल फूड रखा रहे, 20 सब्जियां बीच में स्टेपल फूड जिससे तुम्हें खाना है, जो तुम्हें एनर्जी दे। चार चीजें बताओ बताओ, गेहूं और मक्का, दैट इज मेज स्टार्च, चार चीजों में बात ही। आप उधर बैठ जाओ ना, वो बात कर रहा है, या अपने पापा से कंप्लेंट करो कि मेरे बगल जो लड़का बैठा है वो पढ़ने नहीं दे रहा है, आज मुझे उसने 5 नंबर ही नहीं लाने दिए। बोलो कब, इतने सीधे बन के तुम क्या पालोगे? कुछ नहीं है सीधे लोगों का। मम्मी पापा को बुलाओ और पुलिस में तुम्हारे पापा कंप्लेंट करो, पुलिस में या इनके होंगे, तुम इनके करो, एकाध तो किसी करो, कुछ तो झगड़ा हो, ऐसे बात किसी का तुम्हारा भी भला हो। चलो अब आगे की बात करो, तो ग्लूकोज जो है मोनो शुगर है, दो मिल जाए तो डाई शुगर है, और थाउजेंड्स मिल जाए तो स्टार्च है। मोनो शुगर, डाई शुगर एंड पॉली शुगर, ये मोनो शुगर है, ये डाई शुगर है, ये पॉली शुगर। ये बताओ मोनो शुगर और डाई शुगर और पॉली शुगर में मीठा कौन होता है? डाई शुगर। बोलो, और मोनो शुगर भी मीठी नहीं होती है। ग्लूकॉन डी ये जान में जान डाल दे, पीते ही ग्लूकॉन डी में भी तो मीठापन होता है। अब अंगूर, अंगूर में ग्लूकोज होती है तो क्या वो मीठी नहीं होती है? सो दैट इज ऑल फ्रूट्स आर हैविंग ग्लूकोज, सो दीज आर स्वीट। स्टार्च मीठा क्यों नहीं? स्टार्च में जब वो कंडेंस हो गया, अब अगर उसमें फिर से वाटर मिलेगा, जब तुम आलू खाते हो तो मम्मी से कहते हो एक गिलास पानी भी दे दो आलू की चट, क्योंकि उसको हमें फिर से तो वो पानी जो लॉस हो गया है उतना पानी डालोगे तब ग्लूकोज बनेगा, तब मीठा होगा। मतलब अगर कच्चा आलू खाएंगे और थोड़ा पानी पिएंगे तो पानी पिएंगे मुंह में ही रखे रहोगे तो अल्टीमेटली वो फिर से टूट टूट के ग्लूकोज बन जाएगा, क्योंकि वाटर उसने लूज किया तब तो स्टार्च बना, वाटर फिर दे दो उसको, रोटी खरो और पानी भी पीते जाओ, मुंह में चबाते जाओ, ग्लूकोज की तरह मीठी। आपके फोन में 1% वन उसे ठीक कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब चल देखो कि दैट इज ग्लूकोज इस वाले में, दोनों ही फोन बोल गए, अब उसी को लगाना पड़ेगा। चलो पावर बैंक ले।
पावर बैंक जो है उसका वो लीड विंडो लगा दो पावर बैंक से। चलो ओके आगे देखें। सर रुके थोड़ा नीचे उसमें से ना अपना अपने आप पिन कर लीजिए। चलो कर लो पिन। So, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ग्लूकोज एमिनो एसिड। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इट कंटेन्स ग्लूकोज है ना। माइक ऑफ है, माइक ऑफ सर, माइक हो गया। चलो, इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। और कुछ कुछ सेल में क्या होता है, स्टोरेज हाउस है। इन सम सेल, देखो बुक में ही लिखा है, इट कंटेन्स प्लांट वेस्ट आल्सो। लिखा है कि नहीं आगे क्लाइन इन सम सेल, पढ़ो यहाँ वेस्ट वाटर एंड सम वेस्ट। इन सम सेल्स इट कंटेन्स वाटर, वाटर रखा होगा। तुमने ये देखा कि सब्जी वाले पानी छिड़कते रहते हैं सब्जी, yes, तो वो वैक्यूल में जाके इकट्ठा होगा। और जैसे ही वैक्यूल टाइट होगा तो क्या प्लांट सेल भी टाइट हो जाएगा। yes, सेल के अंदर। तो इट कंटेन्स वाटर एंड प्लांट वेस्ट। नाउ आना मुझे ये बताओ, वैक्यूल प्लांट को क्या दो चीजें देता है। सर, सब्जी वाला जब पानी डालता है तो एक तरीके से तो यही कहेंगे कि वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि फिर प्लांट बाहर वाटर है तो उससे अंदर चला गया और फूल गया। तो सेल के बाहर आपने एक तरीके का लेस कंसंट्रेशन मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रखा तो वो अंदर चला गया, अंदर लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैक्यूल्स प्रोवाइड प्लांट्स टर्जिडिटी एंड सर, मतलब 15 दिन बाहर रखा हुआ सब्जी जो एकदम सिकुड़ जाता है उसको अगर पानी में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इतनी दो दिन की लाइफ होती है, बस ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट टाइम से पानी गंदे दो। टर्जिडिटी का मतलब है यहाँ पर उसको वो हार्डनेस देगा, और रिजिड ऑन अप्लाइंग फोर्स इट्स शेप इज नॉट डिस्टॉर्टेड। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए अमीनो एसिड्स है, और अमीनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन भी बनता है, तो चाहे तो अमीनो एसिड है और कई बार कंडेंस करके प्लांट प्रोटीन भी, तो यहाँ प्रोटीन भी लिखते हैं। ये सब चीजें करता है। ओके, नाउ अब आपको दो काम करना है, मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सर डायग्राम लेबल्ड डायग्राम ऐसे ही बना देना। सर एनिमल सेल अगर बुक वाला आता है, बुक वाला ही बनाओ, बुक का ही तो है। सर बुक में जो बुक में वही बनाओ, बुक का ही चलता है और कहीं वाला नहीं चलेगा। राइट अ नोट ऑन दैट इज वैक्यूल्स ऑफ प्लास्टिक्स पे नहीं लिखा ना, प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक्स में फ्लो चार्ट भी बनाना है। चलो
सर आपने जो बनाया वैसे अभी जैसे इसमें ये आ रहा है तो हम इससे सीधा नेट में भी जा सकते हैं क्या, कहते नहीं कि ऑनलाइन से शेयर करना, ऐसे में वहाँ भी दिखेगा, उन बच्चों को भी दिखेगा वो कैसे होता होगा सर? कुछ नहीं, आपको बस टेलीकास्ट करना, उससे सबको दिख जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग के बाद हम अभी ये पूछ लेते हैं बच्चों से, अगर ऐसा होगा तो सिंगल फोन से ही काम चल जाएगा। मैं फोन से सर्च करूंगा तो क्या इन्हें दिख जाएगा? तो उसके मेरे क्या पहले आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा। कंटिन्यू स्टार्ट ना कर दीजिए सर, जहाँ पे जाएंगे वो ये ठीक है ना सर? आप जो भी उन बच्चों आपको जो सर्च करना है सर आप कर दीजिए। ठीक है, ये सही है। और जब स्टॉप होगा तो यहाँ पर कुछ भी देखनी हो सब। अब आप कहीं जा रहे हैं तो वो सब दिख जाएगा ना, यहाँ दिख रहा है सर ये पॉइंट। ओके ओके, ये सही है। तो अगर उन्हें कोई माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिक का वीडियो दिखाना तो ये फोटोज, ये फोटो साइंस। सो उनसे एक बार कंफर्म भी कर लीजिए। हाँ हाँ, गॉल्जी ऑपरेटस एनिमेशन, गॉल्जी ऑपरेटस एनिमेशन। गॉल्जी ऑपरेटस फोन हिस्ट्री में। हाँ हाँ, समझ में आ गया। वैसे तो देखी जाऊंगा का ऑप्शन है कि नहीं? वही तो चल छोटा सा वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, ये दिख रहा है आपको वीडियो? ओके ओके, ओके ओके, ठीक है। चलो, वो तो पता चल गया, अब यहीं पे चले जाएं। तो स्टॉप शेयरिंग है, स्टॉप शेयरिंग। स्क्रीन शेयर बंद करना है सबको। तो ऊपर आ गया ऑप्शन स्टॉप शेयरिंग। स्टॉप शेयरिंग अरे हाँ, पेपर वो सर दे रहे हैं, ये सबको देंगे। चलो, तो इसको टर्न करना पड़ेगा। सबका वीडियो ऑन कर दीजिए। हो गया, चलो पेपर मिल गया ना, करो।
बुक में ऐसा वाला बना आता है, ये कुछ अच्छा क्लियर नहीं है, ऐसे चलता नहीं है। सर नॉर्मल बना सकते हैं? नॉर्मल बनाओ। ये लेज बंद करो, प्लांट से बना हुआ है, प्लांट से बंद करो। अदिति, डीएनए और राइबोसोम किसके किसके होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के? साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्लास्टिड। स्टोरेज हाउस ऑफ सेल? ओके, लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ सेल? गॉल्जी अपैरेटस।
ओके, वैसे वैक्यूल्स भी बहुत सारी चीजें स्टोर करता है जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। ओके नाउ ज़ैंथोप्लास्म, हाँ दो टाइप है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ैंथोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आदित्य? आदित्य अच्छा अच्छा आदिति, ज़ैंथोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर? येलो। ओके, ल्यूकोप्लास्ट सब कलर। सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? वो बंडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दे आर सेल डिवीजन। यस, दीज आर इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन। What are the cell organelles which are absent in animal cell? The vacuoles, plastids. What are the cell organelles which are absent in plant cell? The plastids. Centriole. Plastids तो होते हैं plant cell में, उसी की वजह से तो colors होते हैं। तो plant cell में centriole नहीं होगा, okay? Okay. Okay. नहीं, ऑल ऑफ यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। सर हाँ बोलो।